वेलकम टू माई चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास सिक्स फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन चैप्टर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। अभी हम सेवन चैप्टर पे थे, सेवन चैप्टर का हम एग्जांपल एक बाय एक देख रहे हैं 7.3 चैप्टर में जाने से पहले, ताकि हम थोड़ा बेसिक कर ले तो हमें वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया, अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करने जा रहे हैं। देखिए क्या है 5 नंबर एग्जाम्पल में। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद द डिनोमिनेटर 63। यहाँ डिनोमिनेटर हमें दे रखा है 63 और हमें फाइंड करना है न्यूमरेटर। ठीक है, तो चलिए हमने ये चीज जान लिया है कि अगर हमें बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। घटाना हो तो हम डिवाइड करते हैं, मतलब कि कम करना हो, सॉरी घटाना ना, कम करना हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए, तो हमारा सवाल क्या है, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में आ जाते हैं 2/9 क्या था, 2/9 और डिनोमिनेटर 63। तो डिनोमिनेटर नीचे होता है वो आपको पता ही है, तो 63 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, बढ़ा दिया है, क्या क्या है, जो संख्या दे रखा है उससे डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, यानी कि हमें इसे बढ़ाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखना है कि 9 के टेबल में, मतलब 9 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 आता है। सिंपल है, 9 के टेबल में 7/7 टाइम में हमारा आ जाता है 9/7 = 63। तो यहाँ अगर हमने 7 को किया है, अगर हमने यहाँ पे 7 की मल्टीप्लिकेशन किया तो हम ऊपर भी 7 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा और 9/7 = 63 हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा 14/63, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे दिखा दिया गया है। अगर मान लीजिए कि अगर हम आगे जाके ऐसे इस टाइप के सम करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर हमें इस तरह से दे देता है, पूछ देता है। अगर ऐसे सिंपली बोलेगा तो हम इसके बाद बढ़ाकर चले जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दे के पूछता है तो हमें इस तरह से करना है। अगर हमें कम रहेगा तो डिवाइड कर देना है, ज़्यादा रहेगा तो हमें मल्टीप्लिकेशन करके सवाल को सॉल्व कर देना है। सो आई होप सो आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय बाय एंड थैंक यू, गुड नाइट।